मॉर्निंग गाइस, आज हो गई है 5 अक्टूबर और अब हमारी मॉर्निंग हुई है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर देखते हैं आज मैं खा जाऊंगी। सो गाइस, मैं तो आवाज बैठ गई यहाँ पर। सो यहाँ आपी ने फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और अब मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने। एंड सेकंड ब्रेकफास्ट में है केक रस, फैन, पापे। मेरे को वैसे भी ऑलरेडी लाइट ही करना था और अब मेरा निकलने का टाइम हो गया है। सबसे पहले मैं ब्रेस लगाती हूँ, फिर रेडी होती हूँ। बाय। और हल्के से आंसू लेकर मैं बाय कहकर निकल गई। मन तो बहुत था रुकने का, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं फटाफट निकल गई। सरप्राइज अच्छा लगा भाभी को। फिर भाभी ने मेरे लिए लंच लगाया है क्योंकि घर में कोई था भी नहीं, सब लोग कोचिंग गए हुए। फिर हम दोनों ने लंच एंजॉय किया और लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद ताऊजी ने सबको सॉफ्टी आइसक्रीम ला कर दी, जो मैंने सबके साथ एंजॉय किया। थोड़ी सी गपशप लगाई, एंजॉय किया, पता ही नहीं चला कब डिनर का टाइम हो गया। सो अब हम करते हैं डिनर, जिसमें है कीमा, दाल चावल और दाल चावल के साथ चिकन फ्राई। दिल्ली में ज़रूर अगर दाल चावल बनते हैं तो चिकन फ्राई ज़रूर होता है। ये स्पेशल डिश है दिल्ली की और ये डिश मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और दाल चावल बहुत टेस्टी थे अचार के साथ और मैंने बहुत अच्छे से खाया, मुझे बहुत पसंद आया ये। ओके गाइज, मेरा डिनर का टाइम हो गया है, बाय। मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ। सो गुड नाइट।